बिहार के भोजपुर में अवैध बालू उत्खनन का खेल लगातार जारी है, जिसको लेकर आए दिन सोन नदी इलाके में आपराधिक घटनाओं को भी अंजाम दिया जा रहा है। आज फिर इसी कड़ी में कोइलवर थाना क्षेत्र के सुरौंधा टोक सोन नदी इलाके से एक युवक की गोली मारकर हत्या किया गया, शव बरामद किया गया है। मृतक कोइलवर थाना क्षेत्र के निवासी वार्ड नंबर 10 निवासी राकेश कुमार बताया जा रहा है। वहीं उसके साथ गए दूसरे युवक राहुल के शव की तलाश की जा रही है। शव की बरामदगी के बाद मृतक के परिजन व स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है, जिन्होंने हत्या की इस घटना से आक्रोशित होकर आरा पटना मुख्य मार्ग पर हंगामा और सड़क जाम कर दिया। हालांकि अभी हत्या की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। मृतक के परिजनों ने कोइलवर के कुछ रंगदारों पर दोनों की हत्या करने का आरोप लगाते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही कोइलवर थाना पुलिस मौके पर पहुंच शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आरा सदर अस्पताल भेज दिया है। साथ ही पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी। मिली जानकारी के अनुसार कोइलवर थाना क्षेत्र के सोन नदी में आज कोइलवर वार्ड नंबर 10 निवासी कृष्ण राय के पुत्र राकेश राय का शव नदी किनारे पड़ा हुआ था, जो अपने रिश्तेदार पटना के जक्कनपुर थाना के बीरापुर निवासी राहुल कुमार के साथ शुक्रवार रात से ही गायब था। जब आज स्थानीय लोग नदी किनारे शौच करने के लिए गए तो देखा कि राकेश राय का शव लावारिस अवस्था में पड़ा हुआ है, जिसकी सूचना ग्रामीणों द्वारा तत्काल कोइलवर थाना पुलिस को दे दी गई। जबकि राकेश राय का शव मिलने के कुछ ही देर बाद राहुल कुमार, जो पटना जिले का निवासी बताया जा रहा है, उसका शव की तलाश के दौरान पुलिस ने सुरौंधा टोक इलाके से एक महिला का शव बरामद किया है और राहुल के शव की खोजबीन में पुलिस जुटी हुई है। राकेश का शव बरामद होने के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने हंगामा और आगजनी करते हुए सड़क जाम कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस आक्रोशित लोगों को समझाने में जुटी हुई, साथ ही पूरे मामले की छानबीन कर रही है। मामला का जहाँ तक कि हमको संज्ञान है कि हमारे गांव के हमारे दो बच्चे हैं और अभी 28-29 साल उनका उम्र हो रहा है। क्या नाम है उन दोनों का? एक का नाम राकेश और दूसरा क्या नाम है उसका? राहुल नाम है जिसका अभी उसका लाश मिला है सोन नदी में। दोनों का? हाँ, अभी लाश मिला है उसका, अभी वो लाश आ रहा है। दोनों का। और अवैध रूप से किसी ने इन दोनों को बुला करके गोली मार दिया और इस तरह की घटना एक नहीं हुई है। अभी हमारे यहाँ चार चार लोगों को इस तरह से गोली मारा गया है, जिसमें दो लोग बचे हैं और दो लोग ऑन स्पॉट खत्म हो गए। मैंने कब की घटना है कि चार लोगों को गोली मारा गया है? ये परसों दिन शाम की घटना है। दो लोगों को गोली भी मारा गया था परसों? हाँ, परसों दो लोगों को गोली मारा गया था। क्या 31 तारीख को चार लोग और रात में हम लोग दो दिन तक खोजते रहे और दो अभी गायब है। तो ये मैंने कौन मारा, किस लिए मारा, कुछ बता सकते हैं क्या? अब इसके लिए तो हम लोग को जानकारी नहीं है, इसलिए कि यहाँ कोइलवर में बहुत तरह के लोग घूम रहे हैं और वो किसी भी पल हमारे जो भी हमारे मित्र हैं लोग कभी भी गोली। कौन से गांव के ये लड़के हैं जिनका नाम? कुल्हरिया ढंडिया का है। ये दोनों का लाश जो मिला ये कहाँ के हैं दोनों आदमी? ये दोनों कोइलवर टोला पर। कोइलवर टोला के हैं। तो आप लोग क्या डिमांड कर रखे हो, रोड जाम किए हैं? हम लोग डिमांड रखे हैं सर कि जो भी हमारे बच्चा लोग गोली लगा है अपराधी को सजा मिले। जी, नाम बताइए अपना। उसका नाम बताओ। विक्की कुमार, मोहित कुमार, सरोज कुमार। ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं? कोइलवर के रहने वाले हैं। बालू उलू से जुड़े हैं क्या ये लोग? अवैध वसूली करता है सब नाव से। नाव का अवैध वसूली करता है। ठीक है, अपना नाम बताइए। मेरा नाम रवि कुमार हुआ। ठीक, आपका नाम? रंजन गौर।